अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे चिकन मंचूरियन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बोनलेस चिकन चाहिए। इसके छोटे छोटे पीस कर ले, इसको धो के ड्राई करके इसके छोटे छोटे पीस कर ले। और इसमें हमें जो चीज़ें चाहिए इसको मैरिनेट करने के लिए, यह है कॉर्नफ्लोर, ये 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, अजीनोमोटो ये 5 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, चीनी 3 चाय के चम्मच, कुकिंग ऑयल 3 खाने के चम्मच। अब इनको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक हम इसके बाकी दूसरे मसाले तैयार कर लेंगे। इनको ज़रा अच्छा सा मिक्स कर लें हाथों की मदद से। ये मिक्स हो गया अच्छा सा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अगर जल्दी हो तो बंदा उस वक्त ही बना लेता है, लेकिन थोड़ी देर छोड़ने से ज़रा मसाले इसमें अच्छे जज्ब हो जाते हैं और अच्छा सा ये कुक हो जाता है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और तब तक इसके दूसरे मसाले तैयार करते हैं। फ्राई पैन में तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला, और अब इसको हम चिकन को फ्राई करेंगे। लेकिन इसको हमने गोल्डन रंग नहीं देना, इसको बस सफ़ेद सफ़ेद ही रहने देंगे। तेज आंच पे इसको फ्राई कर लें। जहर आते थे ताकि जुड़ ना जाए। अब थोड़ी सी आँच इसकी स्लो कर देंगे।
अब हम छड़ी तेज़ कर देंगे। थोड़ा ऑयल डाला, वही जो चिकन फ्राई किया था उसी में से थोड़ा ऑयल मैंने लिया, और वो तो ऑलरेडी गर्मी था, उसमें दो चाय के दो खाने के चम्मच लहसुन, पानी चौकी हुआ दो खाने के चम्मच अदरक, पीसना नहीं है इसको, नाइफ से पानी चौक कर देना है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। इसको फ्राई करना है हमने, लेकिन इसको गोल्डन नहीं करना, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लग जाए, बस हम इसमें फिर चिकन डाल देंगे।
कलर चेंज हो गया, खुशबू आने लगी। ये हमारा फ्राई किया हुआ चिकन एक किलो। इसी के साथ एक बड़ी वाली हरी मिर्च कटी हुई, और यखनी। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हैं, और यखनी भी या पानी आप जितना उसको रखना चाहते हैं ठेके या जितना भी उस हिसाब से आप डाल दें। आपको ज़रा पतला चाहिए, चावलों के साथ ज़रा पतला अच्छा लगता है, तो पानी थोड़ा ज़्यादा कर लें। अब इसको हम ढक देंगे और उसके बाद हम इसके अगली तैयारी करते हैं। एक बॉल में हम थोड़ी सी यखनी देंगे, इसमें सिरका डेढ़ चाय का चम्मच डालेंगे, नमक दो चाय के चम्मच, अजीनोमोटो दो चाय के चम्मच, मिर्च सुरख मिर्च दो चाय के चम्मच, और केचप एक कप। भर के कॉर्नफ्लोर तीन चाय के चम्मच, खाने के चम्मच। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और अपने पकते हुए चिकन में इसको डाल देंगे। तो करेंगे तेज उस पकते हुए चिकन में अपना डाल देंगे। और साथ ही ये थोड़ा सा जर्द रंग, इसको कलर को अच्छा करने के लिए, कुछ ना बनाने के लिए। अब इसको हल्की आंच पे रख दें कि जितना आपको गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप इसको हल्की आंच पे पका लें। वाह क्या शानदार कलर है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। मुझे तो इतना ही चाहिए, जो हम थोड़ा ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं। आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से बना लें। ये देखिए जबरदस्त कितना प्यारा लग रहा है। मसाले वाले खाने खा खा के बीच में एक दिन जब इस तरह का खाना बन जाता है तो वो मुंह को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा होता है कि बॉडी मसाले खा खा के गर्म हुई होती है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त है।